नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने इंजेक्शन मोल्डिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो उस सीरीज़ पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। हम आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको बेसिक से लेके एक एक चीज़ सिखाऊंगा, ऑपरेशंस, एक एक सारे फंक्शंस मैं डिटेल्ड में आपको बताने वाला हूं। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेज है, उस पेजेस को, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को हम समझेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें कहती, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए, रेड में पंप नॉट रनिंग करके लिखा हुआ है, जहां पे मैंने अंडर सर्किल किया, तो उसको हम कहते हैं हॉट अलार्म। हॉट अलार्म का मतलब होता है कि ये अलार्म जो है आपका प्रेजेंट चल रहा है, आपकी मशीन पे आया हुआ है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं हॉट अलार्म। तो उसके बाद आप देखेंगे सुपर यूज़र लेवल 6 करके लिखा हुआ है। तो सुपर यूज़र लेवल 6 मतलब होता है यूज़र नेम, आप किस यूज़र पे आप चला रहे हो अपने सिस्टम को, एंड पासवर्ड लेवल कौन सा है। तो यूज़र नेम आपका सुपर यूज़र है और पासवर्ड लेवल 6 पे चल रहा है सिस्टम। उसके बाद आप देखोगे लॉग ऑन की, एक लॉग बना हुआ है, एक ताला बना हुआ है जो कि ओपन है। अगर ताला खुला है इसका मतलब कि आपके पीएलसी पे आप फंक्शंस कर सकते हो, अगर लॉक बंद है, ताला बंद है, तो इसका मतलब अभी आप लॉक्ड ऑफ हो। होम की पे देखिए, होम की होम बटन हुआ है, एक घर जैसा बटन बना हुआ है, होम की इसको कहते हैं। आप कहीं से भी इसको प्रेस करोगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे, होम ऑप्शंस पे आ जाओगे। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रिंटर की। इसको प्रेस करने के बाद अगर आपका फंक्शंस प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आपकी स्क्रीन प्रिंट होगी। आई फॉर इंडेक्स की, इंडेक्स की मतलब कि आपका इंडेक्स क्या है, क्या चीज़ें हैं इंडेक्स के अंदर, क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगी। इसको मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ इंडेक्स की। फिर देखिए पेज नंबर, किस पेज नंबर पे कौन सा पेज है। जैसे 10 पड़ा हुआ है तो 10 पे मोल सेटअप था, तो मोल सेटअप का पेज खुला हुआ है। तो इसी ऑप्शंस को जहाँ पे पेज डालते हैं हम इसको कहेंगे पेज नंबर। अब नेक्स्ट है स्क्रीन टाइटल। आप स्क्रीन टाइटल देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन जो खुली हुई है, ओपन है, वो किस टाइटल पे है, क्या चीज़ है। तो वो मोल सेटअप टाइटल है आपका, स्क्रीन टाइटल मतलब मोल सेटअप का पेज आपका खुला हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे आपका देखिए सॉफ्ट मैसेज होगा जो येलो कलर का है, जैसे लिखा स्क्रीनशॉट इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट इन प्रोग्रेस जो है येलोइश मार्क पे, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट मैसेज, ये कहलाता है सॉफ्ट मैसेज। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ बटन्स देखेंगे जो कि शॉर्टकट बटन्स होती हैं, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्ट कीस। इनको प्रेस करने से आप डायरेक्ट, जैसे मोड सेटअप पेज के अंदर ये एजेक्टर वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आप प्रेस करोगे तो उस पेज पे पहुंच जाओगे। लास्ट है हमारा इस पेज पे डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको इजीली डेट एंड टाइम मेंशन होके मिल जाएगी कि क्या डेट और क्या टाइम पे सारी चीज़ें हैं। तो आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो डेट एंड टाइम। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्रीन इंडेक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें आती, जैसे कि आपकी मेन स्क्रीन, मशीन डिटेल, अलार्म डिस्प्ले, उसके आगे नंबर पड़ा हुआ है 0000, मतलब मेन स्क्रीन के लिए 0 पेज। तो 1 नंबर आप डालोगे तो मशीन डिटेल पे पहुंच जाओगे, 2nd नंबर डालोगे अलार्म डिस्प्ले पहुंच जाओगे। डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट उनके नंबर्स होते हैं। तो ये इस मशीन की पीएलसी का ये नंबर्स हैं 0203 करके। इस तरीके से आप जो बटन, जो नंबर आप प्रेस करोगे तो आप उस पेज पे पहुंच जाओगे। सिमिलर आपके जैसे टेक्स्ट बुक होती है, बुक में क्या होता है कि आपका नंबर मेंशन होता है कि 5 नंबर पेज पे, 5 नंबर पेज पे ये चैप्टर है हमारा, वैसे ही सिमिलर आपका स्क्रीन इंडेक्स होता है। आपकी स्क्रीन का ये कंप्लीट इंडेक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लॉगिन की। लॉगिन ऑप्शंस में क्या क्या होते हैं, आपका यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है। यूज़र नेम में क्या है, जैसे कि सुपर यूज़र है, आप कोई और यूज़र नेम डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि सुपर यूज़र है। और फिर पासवर्ड की बात करते हैं तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद आप ओके करोगे तो आप लॉग इन हो जाओगे। अगर आप लॉग आउट पर क्लिक करके ओके कर देते हो तो आप लॉग आउट हो जाओगे, और अगर इस मेनू से बाहर जाना तो आप कैंसिल की दबा दोगे, आप इस ऑप्शन से बाहर चले जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड की। आप कीबोर्ड देख सकते हैं, इसको अल्फा न्यूमेरिक इनपुट कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि आप अल्फाबेट भी डाल सकते हो और नंबर्स भी डाल सकते हो, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक इनपुट।
तो दोस्तों सिमिलर ये कीबोर्ड ही होता है आपका, जिस जो भी आपकी टच स्क्रीन मशीन होगी वहाँ पे ऐसा कीबोर्ड आएगा। इस कीबोर्ड पे आपको सारे नंबर्स लिखे होंगे, आप नंबर्स चाहो जो सेटिंग चाहो वो डाल सकते हो। उसके साथ साथ आप अपना कोई जैसे मोल्ड सेटअप वगैरह कर रहे हो, कोई चीज़ सेव करना चाहो तो आप उसमें नंबरिंग नेमिंग करके भी उसको डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मोल्ड करण नाम से सेव करता हूँ तो KARAN टाइप करके मैं इसको यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक इनपुट पे सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। बस सेव करने के लिए इंटर बटन दबाना। दोस्तों आगे बात करते हैं इस पेज की। तो ये पेज जो है हमारा पासवर्ड लेवल दर्शाएगा कि आपका स्क्रीन पेज कौन सा है, मोल्ड का पेज है। तो फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पेज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं और उन फंक्शंस का क्या पासवर्ड लेवल है। हर फंक्शन का एक पासवर्ड लेवल होता है, उस लेवल पे ही आप उसकी सेटिंग को छेड़ सकते हैं, उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पासवर्ड लेवल है, डिफरेंट पासवर्ड लेवल्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे कोर्स के लिए है, कोर के लिए नंबर दो लेवल रखा गया कि आप दो लेवल अगर आप स्क्रीन पे हो, दो लेवल पासवर्ड कोड पे हो तो आप इनको चेंज कर सकते हो। बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप पे आप देखिए कंप्लीट प्रिंटर सेटिंग के लिए पासवर्ड नंबर लेवल 3 पे जाना पड़ेगा। पासवर्ड चिप कार्ड अगर आपको करना है तो आपको 5वें यूज़र लेवल का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, तब आप ये फंक्शन कर पाओगे। डिफरेंट मशीन का डिफरेंट फंक्शन होता है पर सिमिलर होता है, मतलब मिलता जुलता होता है। अब आप देखेंगे कि मशीन डिटेल है, पहला पेज है हमारा, फर्स्ट पेज पे मशीन डिटेल जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था। तो मशीन डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं, मशीन नंबर क्या है आपका, मशीन कितने टनेज की है वो मशीन का यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। स्क्रू डाया कितना है, जैसे इसमें 35 mm दिया गया, 35 mm दिया गया तो वो आपका स्क्रू डाया यहाँ पर मैंशन हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रो मोटर कौन सी है, किस स्टेज में है, आपका ड्राइव कितने वाट का है, जैसे 8 kW का ड्राइव है ये मेंशन हो गया। सीपीयू फर्मवेयर कितना है, सीपीयू एप्लीकेशन कितना, ये सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पीएलसी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन हो जाएंगी। फिर कोर कितने लगे हैं, न्यूमेटिक इजेक्टर कितने हैं, प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मशीन डिटेल पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पेज होता है मशीन डिटेल, यहीं से आपको पता चलता है कि कितने mm का आपका स्क्रू वगैरह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज, अलार्म डिस्प्ले जिसको कहते हैं। इस पीएलसी पे LN C6 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर पीएलसी पे आपका अलार्म डिस्प्ले आ जाएगा जैसे ही आप 2 टाइप करोगे। अब उसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि इसमें डेट टाइम रीसेट टाइम और डिस्क्रिप्शन मेंशन है। टाइम का मतलब इस टाइम पे ये अलार्म आया, देखिए आप रेड मार्क और ये जो ग्रीनिश टाइप का मार्क है तो इसमें क्या होगा आपको पता चलेगा ये अलार्म प्रेजेंटली है, और जो उसके नीचे अलार्म्स हैं वो अलग कलर से आइडेंटिफाइड हैं तो वहाँ पे आपको दिखा कि ये अलार्म जा चुका है। अब साथ में सॉफ्ट कीज़ की तरफ चलते हैं, राइट साइड पे वहाँ पे आप देखेंगे अलार्म हिस्ट्री, अलार्म डिलीट, अलार्म हेल्प करके इस तरीके के ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शन से क्या होता है आप समझिए थोड़ा सा। अलार्म हिस्ट्री में क्या होगा कि अलार्म आपकी क्या हिस्ट्री है, मतलब क्या क्या अलार्म आया, जब आप इसको क्लिक करोगे अलार्म हिस्ट्री को तो सारे के सारे अलार्म हिस्ट्री खुल जाएगी। अलार्म डिलीट में क्या होगा, आपकी सारी अलार्म जो भी आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। और अलार्म हेल्प में क्या होगा कि आपको अगर कोई अलार्म के बारे में नहीं पता है तो आप अलार्म हेल्प बटन दबाओगे, वो आपको मेंशन करके बताएगा कि ये अलार्म क्यों आ रहा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। तो ये इजी फंक्शंस हैं। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से बेसिक से लेकर मैं आपको एक एक ऑपरेशन सिखा दूंगा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, तो आप मास्टर्स हो जाओगे इंजेक्शन मोल्डिंग, कहीं कुछ भागना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, एक्सपर्ट हो जाओगे। आप पढ़ोगे सीखोगे तभी बढ़ेगा हमारा देश, देश बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ साथ बेल की घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा।